नमस्कार, मैं विलास उरकड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम देश प्रदेश आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं, तो आप हमारी खबरों को देखने के साथ साथ हमारे चैनल से सीधे जुड़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस लाल बटन को दबा कर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुप्रीम पावर की ताजा तरीन खबर की। खबर बालाघाट जिले के उकवा से। महिला सरपंच की अनोखी पहल, पंचायत भवन में क्लास लगाकर स्वयं दे रही ग्राम के छात्रों को निशुल्क अंग्रेजी की कोचिंग। ग्राम पंचायत चरेगांव के सरपंच श्रीमती मीना पुरुषोत्तम बिसेन अपने गांव सहित आसपास के छात्र छात्राओं को निःशुल्क अंग्रेजी की कोचिंग दे रही। प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 12 बजे तक पंचायत भवन में अंग्रेजी की कोचिंग क्लास लगाकर अपनी पंचायत में रहने वाले छात्र छात्राओं को इंग्लिश पढ़ाकर उन्हें परिपक्व कर गांव के बच्चों को शहर में अंग्रेजी को लेकर होने वाली समस्या से निजात दिलाने का कार्य कर रही। महिला सरपंच की यह अनोखी पहल एक मिसाल के तौर पर देखी जा रही। हम आपको बता दें कि सरपंच श्रीमती मीना पुरुषोत्तम बिसेन सरपंच बनने के पूर्व बालाघाट के टैगोर मंटेश्वरी हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर रहकर अध्ययनरत छात्र छात्राओं को इंग्लिश पढ़ाया करती थी, परंतु उन्होंने अपने गांव के बारे में सोचा और अपने पद से इस्तीफा देकर ग्राम के विकास एवं ग्राम के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का संकल्प लिया। श्रीमती मीना बिसेन ने पंचायत चुनाव लड़ा और वो जीतकर सरपंच बन गई। चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में निःशुल्क शिक्षा देने का जिक्र किया था, जिसे वे अपने कथन अनुसार ग्राम एवं आसपास के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य कर रही। कहते हैं कि जब एक महिला शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है। यह कहावत श्रीमती मीना बिसेन पर पूरी तरह खरी उतरती नजर आ रही। ग्राम पंचायत की प्रथम गणमान्य नागरिक होने का दायित्व श्रीमती मीना पुरुषोत्तम बिसेन अच्छी तरह निभा रही, जिसे ग्राम के लोग महिला सरपंच के इस कार्य को एक मिसाल के तौर पर देख रहे। देखे खबर सुप्रीम पावर न्यूज पर। बालाघाट उकवा अशोक राउत की रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? श्रीमती मीना बिसेन। आप ग्राम पंचायत चरेगांव की सरपंच है? हाँ जी, मैं चरेगांव की सरपंच हूँ। सरपंच जी, आपने चुनाव लड़ने के पहले घोषणा पत्र प्राप्त लिए में लिखा था कि मैं अपने गांव के बच्चों को चुनाव में जीतने के बाद फ्री में इंग्लिश कोचिंग कराना चाहती हूँ, और आप करा रही हो, इस विषय में क्या कहना है? मैंने जो वादा किया था वो मैं निभा रही हूँ, और मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो चीज़ मैं चाहती हूँ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, जो भी कुछ मैं कर सकती हूँ वो इस क्लास के माध्यम से करती रहूँगी। उन्हें मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी क्लास देती रहती हूँ, ताकि बच्चों में संपूर्ण विकास हो। कौन कौन से क्लास के बच्चे यहाँ आते हैं? यहाँ KG 2 के बच्चे से लेकर क्लास 12th और कॉलेज के भी बच्चे आते हैं, जिनके जो स्टडी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की, तो वो अपने डाउट्स क्लियर करने आते हैं। व्हाट इज योर नेम बेटा? माय नेम इज साक्षी बिसेन। आई हैव कंप्लीटेड माय 11th स्टैंडर्ड फ्रॉम बायोलॉजी एंड परचेस 12th स्टैंडर्ड एंड प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। बेटा, ये अपने यहाँ जो सरपंच महोदय द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, इस विषय में आपका क्या कहना है? जी, इस विषय में तो मैं तहे दिल से पहले तो सरपंच महोदया का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने ग्राम के समस्त छात्र छात्राओं के बारे में इतना सोचा। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद वो ये चाहती हैं कि हमारे गांव के समस्त छात्र छात्राएं, सभी बच्चे गांव में गांव का नाम रोशन करें और शहरों में जाकर अपना अपना भविष्य बनाएं, और शहरों के हिसाब से ही हम मतलब इस कोचिंग क्लास में जो पढ़ाई हो रही है वो इस हिसाब से हो रही है कि हम शहरों में जाकर भी अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकें। क्या नाम है जी आपका? भूरालाल नीलवंशी, चरेगांव के निवासी। नीलवंशी जी, अपने यहाँ चरेगांव सरपंच द्वारा जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इस विषय में क्या कहना है आपका? अरे, वो तो बहुत सराहनीय कार्यक्रम है भैया। एक तो बालाघाट में वो रहती थी, वहाँ पढ़ाती थी, उसको छोड़ के यहाँ पे पढ़ा रही हैं, और यहाँ तक के कि लोगों का जो प्राइवेट कार्यक्रम कोचिंग क्लासेस चल रही थी वो सब बंद हो गए, और बहुत 30-40 बच्चे रोज आ रहे हैं और 2 घंटे की ये कोचिंग लेते हैं। बहुत अच्छा सराहनीय कार्यक्रम है गांव के लिए। दोस्तों, हम आपके लिए नित्य प्रतिदिन ऐसी ही न्यूज़ प्रकाशित करते रहे
इसके लिए आप हमारे न्यूज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर वीडियो जब देखते हैं तो कमेंट कर हमें अपने सुझाव और अपने विचार जरूर साझा करें। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए निरंतर ऐसे ही न्यूज प्रकाशित करते रहेंगे, तो देखने के लिए बने रहे सुप्रीम पावर के साथ।